यूपी के कौशाम्बी में दो दबंग भाइयों ने पुरानी रंजिश में एक युवक को गोली मार दी। मामला पैसा थाना क्षेत्र के राम साहिपुर गांव का है, जहां युवक को गर्दन में गोली मारी गई। और आपको बता दें कि घायल हालत में युवक को प्रयागराज के सायर अस्पताल भेजा गया। इधर घटना की जानकारी मिलते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया। पूरे मामले में पुलिस एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने स्थानीय पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। ये देखिए, पैसा थाना क्षेत्र के रमसाहेपुर गांव में दो पक्षों में आज सुबह होली जलने के बाद जो फाग के लिए शुरुआत होती है उस समय विवाद हुआ है, जिसमें एक पक्ष के द्वारा फायर किया गया, जिसमें एक युवक के गर्दन पे गोली लगी हुई है। उसे तत्काल इलाज के लिए एसआरएन हॉस्पिटल भेजा गया है और जो अभियुक्तगण हैं उनके लिए दबिश दी जा रही है। बहुत शीघ्र हम उनकी गिरफ्तारी करेंगे और जो भी कड़ी विधिक कार्रवाई है वो करेंगे।